बात देश के नए हमसफर की। जी हाँ, बात हो रही है नई ट्रेन हमसफर की, जिसका जायजा लिया खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने। हमसफर पूरी तरह से तैयार है दिल्ली से गोरखपुर आने जाने के लिए। पूरी तरह से थर्ड एसी इस ट्रेन को इसमें मिलने वाली सुविधाओं ने बना दिया है और भी खास। तैयार है मुसाफिरों का हमसफर। रेल मंत्री ने लिया हमसफर ट्रेन का जायजा। पूरी तरह से थर्ड एसी के डिब्बों वाली और यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं से लैस देश की आधुनिक रेलगाड़ी हमसफर अपने यात्रियों के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन जाकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस ट्रेन का मुआयना किया और इसकी खूबियों से लोगों को रूबरू कराया। पूरी ट्रेन थ्री टायर एसी है, इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो पहले सुविधाएं नहीं दी गई थी। कूड़ा कचरा डालने के लिए ज़्यादा प्रावधान है, एलईडी लाइट्स है, लाइटिंग अच्छी है, एस्थेटिक अच्छे बनाए गए हैं, जो फ्लोरिंग है वो अच्छी तरह से किया गया है और हर कोच में सीसीटीवी कैमरा है जिसका मॉनिटरिंग एक आदमी कहीं पर बैठ के भी कर सकता है, यानी सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। एक आम आदमी की जो दिक्कतें रहती है, सुविधा रहती है, जो हमेशा यातायात करते हैं उनकी जो मांग रहती है, ऐसे चीजों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया है। रेलवे की ओर से हासिल जानकारियों के मुताबिक पहली हमसफर ट्रेन यूपी के गोरखपुर से दिल्ली के आनंद विहार के बीच चलेगी। हमसफर पूरी तरह थर्ड एसी ट्रेन है और इसमें यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन इसका किराया आम ट्रेनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होगा। हमसफर ट्रेन में ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन, जीपीएस आधारित इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अग्नि निवारण प्रणाली, एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरे, पर्दे और डस्टबिन की सुविधाएं शामिल हैं। सबसे पहले जहां मैं मौजूद हूं, ये बिल्कुल आपको स्टाइलिश फील दे रहा होगा। पर्दे इस थर्ड एसी कोच में लगे हैं, ये डिजाइन में जितने दिलकश हैं, इन पर मौजूद ये हमसफर के मार्क, ये पर्दे आपको प्राइवेसी देंगे और साथ ही जिस बर्थ पे मैं मौजूद हूँ, यानी कि आपकी सीट पे कुशनिंग के लिहाज से, यानी कि कंफर्ट के लिहाज से बहुत बेहतर है और इसका फील, इसका जो स्टाइल है वो भी बाकी थर्ड एसी से अलग है। और आप हम सफर में ट्रेन कर रहे हो उसके लिए स्पेशल फील देने के लिए ये विनाइल रैपिंग यहाँ पर है, ये कोच का लुक बाहर और अंदर से बदल रहा है। साथ ही अगर आप दृष्टि बाधित हैं तो ये ब्रेल सिस्टम के जरिए आप अपनी सीट को आराम से पहचान सकते हैं, ये एक अतिरिक्त सुविधा यहाँ पर दी गई है। लेकिन लिनन की अगर बात करें, यानी कि जो चादर और तकिया आपको दिया जाता है वो भी इस बार अलग है। ये अमूमन जो कंबल आप थर्ड एसी में देखते हैं उससे हल्का पतला लेकिन काफ़ी आरामदायक, और ये तकिया और जो चादर है इसका कलर भी बदला गया है और कुछ इस तरीके के रैपिंग में आपको हमसफर ट्रेन में आपका लिनन और बाकी के चादर तौलिया मिलेंगे। और इसके साथ ही क्यों ये ट्रेन आरामदायक है, अगर आप ये जो स्क्रीन यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्क्रीन में लगातार जानकारी मुहैया कराई जाएगी कि ट्रेन की स्पीड क्या है, अगला स्टेशन कौन सा है या पीछे कौन सा स्टेशन निकला है, आराम से इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट की तर्ज पर अगर आप हवाई सफ़र करते हैं, ठीक उसी की तर्ज पर एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप देखें तो ये जो एलईडी लाइट्स हैं, इनको देख के रात में आप आराम से अपनी सीट पहचान सकते हैं और ये एलईडी लाइट्स आंखों को चुभेंगे भी नहीं, और इस लाइट का पूरी ट्रेन में इस्तेमाल किया गया है। हमसफर ट्रेन के जरिए गोरखपुर से आनंद विहार के बीच का सफर 12.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। रास्ते में लखनऊ और कानपुर स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। गोरखपुर आनंद विहार के अलावा सियालदा जम्मू तवी, दुर्ग हजरत निजामुद्दीन और तिरुपति जम्मू तवी के बीच भी हमसफर एक्सप्रेस चलेगी। आने वाले कुछ दिनों में कुछ और रूट पर भी हमसफर ट्रेन का ऐलान हो सकता है। दूसरी ओर ट्रेन के लंबे रूट को देखते हुए रेलवे ने इसमें मिनी पैंट्री ओवन की सुविधा के साथ केटरिंग सर्विसेज को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया है। और जो केटरिंग व्यवस्था हमसफर ट्रेन में की गई है वो आप देख सकते हैं कि ये कॉफी वेंडिंग मशीन यहाँ पर लगाई गई है, यानी कि आप आराम से अपनी पसंद से आपको कॉफी लेनी है, चाय लेनी है, वो वेंडिंग मशीन यहाँ पर दी गई है। इसी तरीके से खान पान में हाइजीन को मेंटेन करते हुए उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये नए सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है, ताकि जो भी खाना आपकी टेबल तक पहुँचे वो ना केवल स्वादिष्ट हो बल्कि उसकी क्वालिटी के पैमाने पर भी खरा उतरे।
इस साल के रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हमसफर ट्रेन का ऐलान किया था। हालांकि बजट में चार तरह की नई रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की गई थी, लेकिन तेजस, अंत्योदय और उदय को लेकर यात्रियों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। दिल्ली से समीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।